Hello students, welcome back to the channel. So this is the last lecture of this chapter. Let's begin. The shopkeepers of Palampur. People involved in trade, that is exchange of goods, are not many in Palampur. The traders of Palampur are shopkeepers who buy various goods at wholesale market in the cities and sell them in the village. जो लोग हैं ट्रेडिंग में पालमपुर में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो कि ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो. जो पालमपुर के ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादातर शॉपकीपर्स हैं. ये वो लोग हैं जो कि सिटीज से सामान लेके आते हैं होलसेल रेट पे और फिर विलेज में आके उसको थोड़ा महंगा करके बेच देते हैं. ये वाले जो ट्रेडर्स है, ये जो शॉपकीपर्स है, ये कौन कौन है? ये कोई भी हो सकता है. यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक्स, पेन, पेंसिल, इवन क्लोथ्स. तो ये सारे के सारे ही जो शॉपकीपर्स है, ये सारे के सारे ट्रेडर्स हैं. A few of the families whose house are close to the bus stand have used a part of the space to open small shops. They sell eatables. And वो लोग जो के पालमपुर के बस स्टैंड के काफी क्लोज हैं, उन्होंने अपने घरों में अपने घरों के एक पोर्शन में जो के बस स्टैंड की तरफ फेस करता हो, उस पोर्शन में उन्होंने कुछ ईटेबल्स रख दिए हैं जहां पे कुछ लोग आके खाना खा सकते हैं. सो ये भी उनके एक बिजनेस का पार्ट ही हुआ. अब नेक्स्ट हम यहां पे आएंगे. यहां पे हेडिंग दी हुई है आपको ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर. तो हम अब ट्रांसपोर्ट के बारे में बात करने वाले हैं. देर आर वराइटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज. रिक्शा वाला, टोंगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बोगी आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विस. तो ये सारे के सारे लोग जो रिक्शे चला रहे हैं, टोंगे चला रहे हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, बुलक कार्ट एंड बोगी, ये सारे के सारे लोग जो हैं ये ट्रांसपोर्ट सर्विस के अंडर आते हैं. दे फेरी पीपल एंड गुड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट. वो अपने इन डिवाइसेस पे वो सॉरी नॉट डिवाइसेस वो अपने इन व्हीकल्स पे लोगों को या फिर सामान को ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस ट्रांसपोर्ट का वो फिर पैसा चार्ज करते हैं. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. एंड पिछले काफी सालों से हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री है वो काफी फ्लरिश कर रही है. अब यहां पे एक एग्जाम्पल भी दिया गया है आपको ट्रांसपोर्ट के लिए. किशोरा इज अ फार्म लेबरर. लाइक अदर सच लेबरर, किशोरा फाउंड इट डिफिकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड्स फ्रॉम द वेजेस दैट ही हैज रिसीव्ड. अब किशोरा भी एक फार्म लेबरर है एंड वो भी उन्हीं लोगों में से आता है जो कि अपने घर की जरूरतों को बहुत ही मुश्किल से पूरा कर पाते हैं सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग की जो लेबर है उससे. तो किशोरा ने क्या किया अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? A few years back, Kishora took a loan from the bank. This was under a government program which was giving cheap loans to the poor landless household. तो ऐसे में क्या हुआ कि किशोरा ने जो बैंक लोन है वो लिया. कौन से वाला लोन लिया? वो बैंक के पास गया, उसने कहा कि मुझे एक ऐसा लोन चाहिए जो कि गवर्नमेंट प्रोग्राम के अंडर आता है और इस प्रोग्राम में जो लैंडलेस हाउसहोल्ड है यानी कि जो लैंडलेस लोग हैं उनको चीप रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता है. तो मुझे ये वाला लोन चाहिए. बैंक ने ये वाला लोन सैंक्शन कर दिया किशोरा को. तो किशोरा ने क्या किया इस पैसे का? किशोरा बॉट अ बफलो विद दिस मनी. नाउ ही सेल्स द बफलोज मिल्क. किशोरा ने क्या किया, उसने एक बफलो खरीदी एंड उसने उसका मिल्क बेचना स्टार्ट किया. और सिर्फ इतना ही नहीं, किशोरा ने और भी कुछ किया इस बफलो का. फर्दर ही हैज अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफलो एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स. तो जो किशोरा है उसने क्या किया कि जो बफलो है उसके साथ एक वुडन कार्ट को अटैच कर दिया एंड चीजों को बहुत सारे जो आइटम्स है उनको ट्रांसपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया. Once a week he goes to a river Ganga to bring back clay for the potter. हफ्ते में एक बार वो river Ganga के पास जाया करता था, वहां से जो clay है वो transport किया करता था potter के लिए, क्योंकि जो potter है उसको अपने items बनाने थे.
or sometime he goes to Shahpur with a load of jaggery or other commodities. और कभी कभार वो क्या करता था, वो इस कार्ट को यूज करता था शाहपुर में कुछ जो लोड ऑफ जैगरी है उसको देने के लिए. Every month he gets some work in transport. As a result, Kishora is able to earn more than what he used to do some years back. और इसी वजह से, क्योंकि अब जो किशोरा है वो अपनी जो बफलो है उसका मिल्क बेचता है, पॉटर के लिए क्ले लेके आता है, ट्रेडर के लिए जैगरी देने के लिए जाता है, और अपने पालमपुर विलेज में ही बहुत सारे लोगों की कुछ ना कुछ आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करता रहता है. तो इसलिए हर महीने अब जो किशोरा है वो इतना पैसा कमा लेता है कि जो उसका घर है वो अच्छे से चल सके और वो थोड़ी सी सेविंग्स भी कर सके. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर दिस चैप्टर. आपका चैप्टर खत्म हो गया है. एंड वन थिंग आई वॉन्ट फ्रॉम यू, आप लोग मुझे अभी इस लेक्चर के खत्म होने के बाद, इस वीडियो के खत्म होने के बाद, आप लोग मुझे बताओगे कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होना चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी. जिसकी जितनी ज्यादा वोटिंग होगी वही वाला टॉपिक मैं आप लोगों को कराऊंगा. हिस्ट्री, ज्योग्राफी या पॉलिटिकल साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर होगा वो मैं आप लोगों को कराऊंगा. ठीक है, सो वीडियो खत्म होते ही आपने सबसे पहले अपना फोन उठाना है और मुझे अपने फेवरेट टॉपिक के बारे में बताना है कि आप कौन सा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना चाहेंगे. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर.